टू माई न्यू ब्लॉग। आज संडे है और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि अंशु रेशु घर पे है। घर पे रह के भी अंशु लोग अभी तक मेरे से बात नहीं किया। आप सोचिए कि अंशु लोग मेरे से बात क्यों नहीं किया, उसका रीज़न है कि आज अंशु लोग अभी तक सो रहा है। अभी तक हम आपको टाइम दिखा देते। ये है अंशु लोग, दोनों भाई अभी तक सो रहा है और आपको हम टाइम भी दिखाते हैं। तो अंशु का फोन है, तो ये 8:40 हो रहा है। 8:40 तक अंशु रिशु दोनों सो रहा है। क्यों स्कूल नहीं है? तो चलिए उठाते हैं लोगों को। है बाल कटवानी रिशु भी। अंशु थोड़ा अच्छा से बाल कटवाना, ठीक है? ये 2020 का कॉइन है। कितना का? 2020 का कॉइन, मतलब कोविड के टाइम का। कोविड के टाइम का नहीं दिख रहा ठीक से, पता नहीं दिख रहा अभी भी। फोकस नहीं हो रहा है भाई। अरे यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है जो तुमको दिख रहा है, यहाँ पे ईयर कहाँ लिखा हुआ? 2020। वो इतना छोटा सा थोड़ी दिखेगा। तो हाँ अच्छा से बाल कटवाना, ठीक है? चल बाय बाय बेटा, बाय। तो हम नहा लिए और हम जा रहे, अब पूजा भी कर लिए, अब हम जा रहे नाश्ता करने। तो आज तो दिखाए थे, आज हम बनाए थे भिंडी का भुजिया और रोटी। भिंडी का भुजिया मेरा फेवरेट है, तो हम भिंडी का भुजिया और रोटी। हम चलो अभी नहीं आया है बाल कटा के, हम चलो आया तो अपना खाया। तो चलिए हम चलते खाना खाने, भिंडी का भुजिया और रोटी। और मेरे दाल चावल भी बन रहा है क्योंकि आज संडे है ना, तो दिखते कहीं बाहर जाएंगे थोड़ा सा। हम सुबह बोले हैं उसके पापा भी आज घर पे रहते हैं, तो हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे। चलिए नाश्ता करते हैं और फिर, और मेरा कपड़ा धुल रहा है, चलिए नाश्ता कर लेते हैं। हम सुबह बाल कटा के आ गया। देखो तुम्हारा ये हेयर कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हारा बड़ा बाल में अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लगता तुम्हारा फेस, तो छोटा बाल में ही अच्छा लगता है। रेशु को भी हम वही बोलते कि छोटा बाल करवा लो। तो शैम्पू किया अभी, अंशु का बाल कितना अच्छा लग रहा है। बट अंशु का बाल बहुत जल्दी बढ़ जा गया है। नाश्ता निकाल लेते हैं अंशु का, तो नाश्ता करो, अभी रेशु का वेट करेंगे कि रेशु अभी तक नहीं आया है। तो चलिए हम लोग का पानी वाला आ गया है पानी देने। हम लोग का सप्लाई का पानी अभी बहुत ही ख़राब आ रहा है, तो हम लोग बाहर से पानी मंगा के पी रहे हैं क्योंकि अंशु लोगों का पेट में दर्द हो रहा था उस पानी पीने से। तो हम लोग अभी बाहर का ही पानी पी रहे क्योंकि सप्लाई का पानी बहुत गंदा आ रहा है। अब दोपहर हो गया है और अंशु लोग खा लिया, तो हम भी जा रहे खाना खाने। तो आज हम खाएंगे रोटी, आज चावल भी खाएंगे हम। आज एक खाना तो कंप्लीट हो गया है और अभी तक कहीं घूमने का प्लानिंग नहीं हुआ हम लोगों का, और कहीं गए भी नहीं। अब सोच रहे थे जाने पर, अंशु बोला हम आज नहीं जाएंगे और उसके पापा को टाइम नहीं है, तो पता नहीं कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, देखते हैं। अगर जाएंगे तो ठीक है। खा लिया रिशु? तो ये रहा रिशु, रिशु खाना खा। आज रिशु का फ्रेंड लोग आया था, इसलिए रिशु का इतना लेट हो गया। रिशु का फ्रेंड लोग हर संडे को आता है रिशु से मिलने न। रिशु आपका फ्रेंड लोग आता है ना संडे को आपसे मिलने। सर्दी के कारण ही ठंडा लग रहा है और अंशु एसी ऑन करके बैठा है। वेलकम बैक, हम तो रेडी हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं। तो बाहर अंधेरा भी हो गया, खाना भी बना लिए हम, चलते हैं। देखने
हमने मार्केट कर लिया, हम लोग घर घर जा रहे हैं ना, तो अब जा रहे हैं घर। आ गए हैं और अंशु का रिशु का शर्ट लाए तो देखते हैं रिशु लोगों को कैसा लगता है, पसंद आता है कि नहीं। ये कैसा है बताओ, ये तुम्हारा कौन सा? ये मेरा। वो तुम्हारा? तो ये रिशु का। तो ये लेकिन वो एक साइज बड़ा है, ये वाला बड़ा है, एक साइज बड़ा है। देख लो पहन के देखो कैसा लग रहा है। पसंद आया? पहले बता, पसंद आया? ये मेरा पसंद है, ये पापा का पसंद है। वो पापा को हम बोले थे कि ब्लैक कलर का लाइए। हाँ तो पापा हमको बोले, हाँ पहन के। तो रिशु को भी ड्रेस पसंद, तुमको पसंद आया सोनू? मैं रिशु को भी पसंद आया सेट, दोनों अच्छा लग रहा है, ब्लैक वाला भी। ऋषि को ही पसंद आया, अंशु को ही पसंद आया। चलिए बस साइज परफेक्ट हो जाए तब ठीक होगा, नहीं तो फिर उसके लिए फिर चेंज करने जाना पड़ेगा। बहुत भीड़ था आज, पता है वैल्यू स्टोर में, पता है दुर्गा पूजा होगा है ऐसे, कसम से लग रहा ना ऋषि तुम्हारे लिए ही बना है ये शर्ट। ऋषि का परफेक्ट हुआ साइज, अंशु का भी ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है। और ऋषि वाह बहुत सुंदर लग रहा है, राखी में लिए थे पहनने के लिए, तेरा दिखा, तुम्हारा कपड़ा देखो कितना सुंदर है। मेरे को भी ऐसे ही चाहिए ऐसे। दुर्गा पूजा में ये है मम्मी का ड्रेस, मम्मी ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो हम आज बहुत खुश है क्योंकि मेरे लिए ड्रेस ले आया है और अंशु ऋषु एक शर्ट लिए हैं। तो चलिए अब रात हो गया, अब खाना खाने जा रहे हैं। तो आज हम बनाए थे, बना के गए थे तो पनीर का सब्जी बनाए थे और रोटी। तो अब जा रहे खाना खाने और ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।